तो गाइज आप लोग बताइए आप लोगों को वहाँ मौसम कैसे है। आज यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और अंदर भी फैन के साथ अच्छी ठंडी हवा आ रही है। तो क्या है कि आप बताइए। हाँ एक बात तुम्हें बताती हूँ, जैसे टिकटॉक वगैरह भी बंद हो गया है, अच्छा है इन चाइनीज की जो भी ऐप्स है वो बंद हो जाए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अब सुबह 7:30 हो चुके हैं। मैं डेली इसी टाइम किचन में जाती हूँ और मुझे अपना काम स्टार्ट करना होता है क्योंकि मुझे 8:45 तक अपना ब्रेकफास्ट रेडी चाहिए होता है। तो अब मैं किचन में आ चुकी हूँ, सुबह की जो भी सामान होता है वो सब आ चुका है। गाइस फिर जो सुबह की सामान होता है वो भी आ चुका है, मुझे दूध ब्रेड वेजिटेबल्स वगैरह होती है। तो ये देखिएगा, ये जो दूध है ये 2 किलो का पैकेट है, ये इसमें 2 रुपए का फर्क पड़ता है, 2 किलो की थैलियाँ होती है। और ये फ्रूट्स आ चुके हैं और ये वेजिटेबल वगैरह आ चुकी है जिसको मैंने वॉश किया है। पहले इसको नमक वाले पानी में वॉश किया है और फिर इसको ड्राई करने के लिए रखा है। अभी तो वैसे मैं इसको थोड़ा हमने ग्रीस कर लिया है क्योंकि जो आटा है इसमें चिपकेगा नहीं। चलिए आप लोग भी कीजिए ब्रेकफास्ट, हम लोग भी करते हैं, फिर मिलते हैं ब्रेकफास्ट के बाद। ओके मेरे हस्बैंड जा चुके हैं, अब मैं और मेरा बेटा ब्रेकफास्ट करेंगे क्योंकि 9 बज चुके हैं। तो अब ब्रेकफास्ट की तैयारी करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
अभी मैं नहा के आई हूँ तो सोचा कि आपसे भी थोड़ी सी बातें कर लूँ। सुबह से लेके तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना, क्योंकि आजकल खुद ही सारा काम करना पड़ता है। वैसे तो मैं पहले भी सारा काम खुद ही करती थी, मगर थोड़ा काम ज़्यादा बढ़ जाता है, तो सोचा थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाएगा, आप लोगों से बातें भी हो जाएगी। देखो आज मैंने हरी हरी चूड़ियाँ पहनी है, सावन का महीना, ग्रीन सूट, तो बताना आप लोगों को कैसे लगा। देखो मैंने आज ग्रीन सूट पहना है। तो गाइज आप लोग बताइए आप लोगों को वहाँ मौसम कैसे है। आज यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और अंदर भी फैन के साथ अच्छी ठंडी हवा आ रही है। तो क्या है कि आप बताइए। हाँ एक बात तुम्हें बताती हूँ, जैसे टिकटॉक वगैरह भी बंद हो गया है, अच्छा है इन चाइनीज़ की जो भी ऐप्स है वो बंद हो जाए, इनका सारा सामान भी बंद होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ गद्दारी की है, धोखा दिया है। इंडियंस बहुत अच्छे होते हैं, हाँ इंडिया वालों ने मेरे ख्याल कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं किया है। तो गाइस आप लोग बताइएगा कि ये चाइनीज़ ऐप बंद हुई तो आप लोगों को कैसा लगा है। और मैं अब दिन के खाने अभी बनाना है, मुझे लंच की तैयारी करनी है, तो सोचा थोड़ी देर ही बैठूँ, और बाकी तो कुछ नहीं है ऐसे नेताजी, अभी मुझे कुछ इतना ज़्यादा अट्रैक्ट होना भी नहीं आ रहा है। तो आप लोग मुझे बताएंगे भी कैसे क्या है क्या नहीं है। तो चलिए मुझे अम्मा जी भी बुला रहे हैं कि खाना दो मुझे खाने के लिए, तो मैं उनको खाना देना पड़ता है। बिल्कुल खाना ऐसे तो वो खाते नहीं है, फिर भी उनको छोटी छोटी करके चिड़ियों की तरह तोड़नी पड़ती है रोटी, फिर उनको डिप करके सब्जी या दूध में देनी पड़ती है। तो गाइस वो बुला रहे हैं, तो मैं अभी चलती हूँ उनको खाना बनाती हूँ, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। गाइस अब हो रही है डिनर की तैयारियाँ, कढ़ाई में डाल दिया हमने तेल, तो खाना बनते बनते थोड़ा टाइम तो लगता ही है, तो सोचा जल्दी जल्दी काम कर लूँ क्योंकि समय भी हो चुका है। तो गाइस ये है तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे जीरा। जीरे को हम थोड़ा भूनेंगे जब तक ये चटक नहीं जाता है, तो ये जीरा गर्म हो रहा है अभी, चटक गया। अब डालें हमने इसमें प्याज, प्याज को हम तब तक भूनेंगे जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता, इसको हम धीरे धीरे हिलाएंगे और इसमें थोड़ा समय लगता है कि ब्राउन हो जाए, तो ये ब्राउन होने वाले हैं। तो गाइज आप लोग बताइए क्या कर रहे हैं क्या बना रहे हैं, मुझे अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप डिनर में क्या बना रहे हैं। तो देखो इसमें अब प्याज में थोड़ी थोड़ी खुशबू भी आनी स्टार्ट हो गई है, तो ये है ब्राउन होने वाले हैं। देखिए बाहर से मुझे मेरी अम्मा जी बुला रही हैं कि मुझे कुछ चाय वगैरह पीने के लिए दे दे, पर मैं बाद में दूंगी, अभी पहले मैं अपनी दाल में छौंका लगा लेती हूँ। तो गाइस ये अब मैंने थोड़ी सिम कर दी है गैस, अब हम डालेंगे इसमें मसाले। तो हमने इसमें डाला है धनिया पाउडर, मिर्ची और हल्दी, और डाला है, और इसको हम थोड़ा सा हिलाएंगे, थोड़ा सा भूनेंगे इसको, थोड़ा सा भूनने से क्या होता है इसमें थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है। और अब हमने डाला है इसमें हींग, हींग मेरा थोड़ा ख़त्म हो चुका है, वो अभी लाना है मार्केट से, मार्केट भी जाना है, तो ये हो चुका है। अब हमने इसमें डाली है उड़द की दाल और चने की दाल मिक्स करके, तो ये इसको सब लोग घर में बहुत पसंद करते हैं, जल्दी भी बन जाती है। तो ये उबाल के तो मैंने पहले ही रख दी थी, तो सोचा वीडियो में तभी बनाऊंगी जब थोड़ा मतलब ये उबल जाए ठंडी हो जाए। तो गाइज ये देखो ये दाल बन के पूरी रेडी हो चुकी है, जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तब हम इसमें गर्म मसाला डालेंगे। तो ठीक है गाइज हमारी दाल बन के तैयार हो चुकी है, अब हम दाल के साथ, आपको पता है मैं क्या बना रही हूँ, दाल के साथ आज मैं बना रही हूँ चावल। आज सोचा कि थोड़ा सा हल्का फुल्का खाना बनाया जाए, क्योंकि कल भी हमने हलवा खाया था तो वो थोड़ा हैवी हो जाता है, तो ऐसा नहीं होता कि रोज़ रोज़ हम हैवी चीज़ें खाएं, कभी कभी थोड़ा हल्का भी होना चाहिए, और रात को तो वैसे भी हल्का भोजन होना चाहिए। तो साथ में मैंने चावल धो के रख दिए हैं, कुकर में डाल दिए हैं, अब हम क्या करेंगे, कुकर में मैंने 2 कटोरी चावल डाली है, तो इसमें डालेंगे हम 3 कटोरी पानी की, क्योंकि इससे चावल अच्छे बनते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही भिगो के रखे थे। तो इसमें डालेंगे अब हम जीरा, अब जब सब कुछ हो चुका है, घी मैं डालूंगी नहीं, इसमें हैवी हो जाता है,
अब इसको हम चढ़ा देंगे गैस के ऊपर और दो तीन चपातियाँ बनाएंगे और हमारा डिनर रेडी हो जाएगा। तो आप लोग भी गाइस डिनर की तैयारियाँ कीजिए और जल्दी से डिनर कीजिए, क्योंकि डिनर जल्दी करना चाहिए, सोने से 2 घंटे पहले डिनर हो जाना चाहिए। तो गाइस दाल बन के रेडी हो गई। चलिए अब मेरा सारा काम फिनिश हो चुका है, तो मैं थोड़ी सी बात आपसे कर लूँ कि आप लोग अपना ध्यान रखिएगा वैसे तो, और मुझे जो पिछली वीडियो थी उसके लिए मुझे काफ़ी प्यार मिला है, लोगों ने सब्सक्राइब लाइक किए हैं, कमेंट्स भी मुझे बहुत अच्छे अच्छे दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी मैं यही चाहती हूँ कि मुझे इतना ही प्यार दे आप लोग। बस आज मैं ज़्यादा बात ना करती हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो मैं यहीं पर चाहती हूँ कि एंड करूँ। और हाँ, एक बात जरूर याद रखिएगा कि मुझे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मेरी मिलती रहेगी। चलिए मैं अपनी वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। बाय बाय।